वेलकम टू सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस शाहिदा मंजूर। टुडे आई कंटिन्यू चैप्टर 3 इंटरैक्टिंग विद द कंप्यूटर फ्रॉम बुक ऑक्सफर्ड कंप्यूटर वेज एंड देयर इज लेक्चर नंबर 21। डियर स्टूडेंट्स देयर इज रिव्यू कॉन्टेंट ऑफ प्रीवियस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी वर स्टडीड अबाउट कंप्यूटर फंक्शन, डाटा इनपुट, इनपुट डिवाइसेज, डाटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसेस डिवाइस, इंफॉर्मेशन आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। डियर स्टूडेंट देयर इज लेक्चर कॉन्टेंट ऑफ टूडेज लेक्चर। टूडे वी विल स्टडी अबाउट कंप्यूटर फंक्शन। वी हैव 3 कंप्यूटर फंक्शंस, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस डाटा। एंड आफ्टर डैट आई एम गिविंग यू होम टास्क। डियर स्टूडेंट्स इन दिस स्लाइड आई एक्सप्लेन यू विज नोट्स। द कंप्यूटर हैज 3 बेसिक फंक्शंस, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट इज डाटा डैट इज फीड इन टू द कंप्यूटर। इनपुट के जरिए हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। व्हेन द कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा इन टू इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। हमारे दिए हुए डाटा को कंप्यूटर कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, प्रोसेसिंग में लाता है, डैट इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग। आउटपुट इज द प्रोसेस डाटा डैट यू सी ऑन द मॉनिटर। एंड आउटपुट क्या होता है, जो प्रोसेस डाटा के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है डैट्स कॉल्ड द आउटपुट। सो द प्रोसेस डाटा डैट यू सी ऑन द मॉनिटर डैट इज कॉल्ड द आउटपुट। ओके, द डिवाइस डैट वी यूज टू एंटर डाटा इन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। वो डिवाइस जिनके थ्रू हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डैट इज कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। द डिवाइस थ्रू विच वी कैन सी द रिजल्ट आर कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस। और वो डिवाइस जिनके थ्रू हमें कंप्यूटर से आउटपुट मिलता है, हमारे रिजल्ट मिलता है, हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिलती है, सो डैट इज द डिवाइस इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस। डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। डियर स्टूडेंट्स इन दिस स्लाइड आई एक्सप्लेन यू व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। एन इनपुट डिवाइस सेंड इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। एन आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है जो कि डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। इनपुट डिवाइस ओनली अलाउ फॉर इनपुट ऑफ डाटा टू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस के थ्रू जस्ट हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। एंड आउटपुट डिवाइस ओनली रिसीव द आउटपुट ऑफ द डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम अपने डाटा का आउटपुट जो है वो रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम अनदर डिवाइस, इट मीन आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि 3 बेसिक कंप्यूटर फंक्शन होता है, बट हमारा जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है उसके 2 फंक्शंस होते हैं। दैट्स व्हाई वी आस्क अबाउट 4 बेसिक फंक्शंस। फर्स्ट वन इज अ इनपुट। इनपुट हम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वॉइस और माइक्रोफोन्स के थ्रू अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। देन द डाटा रेडी टू गो टू प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमारी सीपीयू के थ्रू होती है। सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। रैम एंड रोम डैट्स बोथ आर हेल्प टू प्रोसेसिंग द कंप्यूटर। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द आर डाटा ऑल्सो स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन सीडी रोम, सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइवर्स, हार्ड ड्राइव एंड टैप। After that, we get the output from printer and monitor. I hope, dear students, you understand about chapter 3, interacting with the computer. Now it's time to home task. Dear students, after maintaining title page and index, you have to write the heading of summary with blue color on heading line. In the summary of this chapter included question answer 1 till 4 you have to do in your copy, fill in the blanks 1 till 4 you have to do in your copy, and book activities in your book page number 20, 21 and 22 in your book. After summary you have to write question answers on heading line with blue color. Now question number 1, what are the basic functions of a computer? Answer is, the basic functions of a computer are input, processing and output. I repeat it, the basic functions of a computer are input, processing and output. Now come to question number 2, why is mouse called an input device? Why is mouse called an input device? The answer is, the mouse is called an input device because it is used to enter data and instruction into the computer. Question number 3,
What is the process of changing computer data into the information called? The answer is the process of changing computer data into information is called processing. Question number 4. Define output. The answer is output is information or process data that is presented through the monitor and other output devices. Dear students, after question answer, on very new page, you have to write the heading of fill in the blanks with the blue color. Now, first blank, the process by which the computer convert data into information is called processing. So, you write processing in a blank. Number 2, the data that we enter into the computer is called input. So, you write input in a dash. Third one, process data display on the monitor is called output. So you write output in a blank. Come to number 4 and last blank, the device that help us to enter data into the computer are called input devices. So you write input devices in a blank. I hope dear students you understand about chapter 3 interacting with the computer and book activities and copy work. Inshallah in next video we will start new chapter. Till then, goodbye, take care, Allah Hafiz.